नमस्कार दोस्तों, नागिन सीजन 6 के आने वाले एपिसोड में जहां पृथा लेगी एक भयानक रूप। जी हां, क्योंकि उसके फादर पहले से ही भारत के जो कि जानकारी खुफिया तरीका से किसी और कंट्री में पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, पृथा और महक का एक बहुत ही बड़ा किरदार देखने को और मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि पृथा एक इच्छाधारी नागिन है और इच्छाधारी नागिन होने के साथ साथ में पृथा के कंधों पर कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपने घरें भी देख रही है और साथ में भारत की रक्षा भी कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले एपिसोड में जहां ऋषभ और पृथा एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि पृथा कहने को कुछ भी सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऋषभ की फिक्र करती है और इसलिए रिम को जो कि ऋषभ की जिंदगी से बाहर कर दिया है पृथा ने। लेकिन दोस्तों, आने वाला एपिसोड वाकई में अत्यंत दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय पृथा और महक और ऋषभ तीनों ही एक ऐसे पार्ट बने हुए हैं जो मुख्य किरदार हैं आने वाले एपिसोड में, जहां रियान से पृथा के बाबू जो कि मिले हुए हैं, क्योंकि पृथा के बाबा इस समय जो कि रियान से मिले हुए हैं वो जानकारी आपको जो कि आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ अन्य अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। अगर आपने दोस्तों मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन गाइज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आने वाले एपिसोड में नागिन सीजन 6 में जहां रिहान की सच्चाई पूरे घर वालों के सामने आने जा रही है कि आखिरकार रिहान की सच्चाई क्या है। हालांकि बात की जाए तो ऋषभ एक आर्मी ऑफिसर है, वो हमेशा से ही अपने पूरे टारगेट और पूरी प्लान में रहता ही है। साथ ही दोस्तों, कुछ अन्य अपडेट भी बताना चाहता हूं नागिन सीजन 6 के, जो कि आप लोग देख पाएंगे कि पृथा और उसके बाबा में अब होने जा रही है बहुत बड़ी बहस, बहुत बड़ी टकरार होने जा रही है नई जंग के लिए, जो कि दोनों के दोनों तैयार हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय पृथा अपने पूरे मिशन पर निकली हुई है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइस।